चलिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्क्यूनेस का बैकग्राउंड समझा था, जिसको हम बोलेंगे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, की कब डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस है वो पता चल सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर स्क्यूड नहीं है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम काम करेंगे कि स्क्यूनेस को एक्चुअली मेजर किया जाए, क्योंकि स्क्यूनेस तो है लेकिन कितना ज्यादा स्क्यूनेस है, कितना कम स्क्यूनेस है, दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करें तो दोनों में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्क्यूड है या कम स्क्यूड है, ऐसा कुछ समझना हो तो स्क्यूनेस को एग्जैक्टली मेजर करना पड़ेगा प्रॉपर स्केल लेके। और वो मेजरमेंट का जो काम है उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन थे, ऐसे ही मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस भी है। तो मैं उसको यहीं से काम करूंगा। ये डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थी, वो मैं यहीं पर रख रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, मतलब जगह चाहिए उसकी वजह से। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और यहां पर मैं आ जाता हूं मेजर्स पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो कितना है उसका मेजर करना हो तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो मेजर्स है वो भी दो तरीके के हैं। या तो वो एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे या फिर वो रिलेटिव मेजर्स होंगे। एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। ये जो एब्सोल्यूट मेजर्स है उसमें भी या रिलेटिव में भी जो स्क्यूनेस के मेजर है वो दो अलग अलग अप्रोचेस से बनते हैं। वैसे तीन अप्रोच है, एक है कार्ल पियर्सन का अप्रोच, एक है बाउली का अप्रोच और एक है मोमेंट मेजर्ड अप्रोच। लेकिन मोमेंट वाला हम पढ़ने वाले नहीं है तो इसको भी यहां से निकाल देते हैं, वो बाद की बात है, ठीक है, वो पढ़ना नहीं है हमें। तो हम सिर्फ कार्ल पियर्सन और बाउली, ये दोनों के अप्रोच के ही दो नाम दे दिए कि कार्ल पियर्सन मेजर एंड बाउलीज मेजर। तो जो मेजर है वो दो नाम से हम काम करते हैं, या तो वो कार्ल पियर्सन का मेजर है या तो वो बाउली का मेजर है। अब एब्सोल्यूट मेजर जो है उसको हम बोलेंगे स्क्यूनेस, और जो रिलेटिव मेजर है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट मेजर को स्क्यूनेस बोलेंगे और रिलेटिव मेजर को कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोलेंगे। कार्ल पियर्सन ने बहुत सीधा साधा काम किया है और बहुत ही अच्छी बात बताई उसने कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड की बात करें, मतलब स्क्यूनेस मेजर करना हो तो हम मीन मीडियन मोड को चेक करते हैं। मीन मीडियन मोड इक्वल है तो सिमेट्रिकल है, अनइक्वल है तो स्क्यूड है। उसमें भी ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड है, वो हमें पता चल गया है। तो हम इन्हीं का यूज करेंगे हर केस में। मीडियन तो बीच में ही रहता है, जैसे कि x बार और z की बात करें तो x बार की वैल्यू मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है और मोड की वैल्यू सबसे कम है, जबकि यहां मीन की वैल्यू सबसे कम है और मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम पर तो मीन और मोड है, मीडियन तो वैसे भी बीच में आ रहा है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कार्ल पियर्सन ने बोला कि हम स्क्यूनेस मेजर करेंगे, सिंपल सा अप्रोच होगा, एक्स बार और मोड ये दोनों को चेक करेंगे। मोड के लिए हम नोटेशन सपोज यूज कर रहे हैं MO, तो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखो मीन और मोड के बीच का ही डिफरेंस निकालना है। अब समझ के चलो कि मीन माइनस मोड जब मैं करूंगा डिस्कशन के लिए यहां आ जाते हैं।
मीन माइनस मोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी रिजल्ट होंगे, मैं फिर से लिख रहा हूं, मीन माइनस मोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर होगा वो इन्हीं तीन में से एक होगा, या तो आंसर पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। किसी भी दो वैल्यूज का मैं डिफरेंस निकालूं तो तीन ही पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, या तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, या तो डिफरेंस नेगेटिव, या तो जीरो होगा। अभी आप आराम से सोच के बता सकते हैं कि डिफरेंस जीरो कब होगा। तो आप बोलोगे सर जब मीन और मोड इक्वल होंगे तो जो सेम वैल्यू है तो डिफरेंस जीरो आएगा। यदि एक्स बार की वैल्यू ज्यादा होगी, मीन की वैल्यू ज्यादा होगी और मोड की वैल्यू कम होगी तो यह डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही मोड एक्स बार की वैल्यू मतलब मीन की वैल्यू कम होगी और मोड की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो बस तो हो गया काम, आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन ग्रेटर देन मोड ही होता है। डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो मीन माइनस मोड करेंगे, डिफरेंस नेगेटिव तो कब होगा, एक्स बार लेस देन मोड, तो एक्स बार और मोड की बात करें तो एक्स बार की वैल्यू कम है, मोड की वैल्यू ज्यादा है, और जीरो डिफरेंस आ रहा है मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आप एक ही काम कीजिए, ये तो ट्रिक हमें पता ही है, ये बिहेवियर पता है, तो इन्हीं दोनों का यूज करो और डिफरेंस निकालो। हाँ, आप मोड माइनस एक्स बार नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन मीन माइनस मोड कर सकते हो। तो मीन माइनस मोड करो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या जीरो। पॉजिटिव है तो आप बोल दो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव है तो बोल दो नेगेटिवली स्क्यूड, और जीरो है तो बोल दो सिमेट्रिकल। और इतना ही नहीं, जब आप ये काम करोगे तो उसका एक नंबर मिलेगा, तो जो ज्यादा पॉजिटिव है या कम पॉजिटिव है उसे पता चल जाएगी, स्क्यूनेस तो है लेकिन कितना स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस मोड, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, और इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो सर रिलेटिव स्क्यूनेस में क्या करते हैं, रिलेटिव स्क्यूनेस का नोटेशन जे यूज करते हैं, कई जगह पर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इतना लिख देते हैं, कई जगह पर सिर्फ एस के ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जे यूज होता है। आप जे का यूज करके काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिलेटिव स्क्यूनेस या जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसका यह मतलब है कि जो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस है, ये रहा एक्स बार माइनस मोड, उसी को आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। एक्स बार माइनस मोड को जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट स्क्यूनेस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्क्यूनेस, या आप बोलो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का तो सर फॉर्मूला समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, क्या है भाई, मीन माइनस मोड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोड इज इल डिफाइंड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मोड इज इल डिफाइंड। आप बोलोगे इल डिफाइंड क्या है, इल डिफाइंड मतलब नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, जैसे कि मोड यूनिकली डिफाइंड मेजर नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, मैं किसको माइनस करूं, और कुछ वैल्यू मोड की मीन से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बाई मोडल ट्राई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मोड इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो, या फिर क्लास की लेंथ अलग अलग है जिससे आप मोड प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारी सिचुएशन है जब हम मोड को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बाय डेफिनेशन मोड डिटरमाइन नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो, क्लास की लेंथ अनइवन हो, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, कई सारी सिचुएशन है, ये सभी सिचुएशन को एक कैटेगरी में डाले तो मोड इज इल डिफाइंड ऐसा बोल सकते हैं।
और जब मोड इनडिफाइंड है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मोड को तो मुझे डिवाइड तो करना है, अरे सॉरी माइनस तो करना है मीन में से, लेकिन मोड तो प्रॉपरली डिफाइन है ही नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि जब मोड प्रॉपरली डिफाइन ना हो तो हम क्या करते हैं, तो सर हम इंपिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो जब भी मोड इनडिफाइन हो तो मोड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 3m माइनस 2x बार, और मैं इसको एक्सटेंड करूं तो x बार माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 2x बार, x बार प्लस 2x बार, ये हो गया 3x बार माइनस 3m। इसका मतलब सपोज मैं 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाता है x बार माइनस मीडियन। तो फॉर्मूला यही है x बार माइनस मोड, लेकिन मोड इनडिफाइन है तो इंपिरिकल फॉर्मूला का यूज करने की वजह से ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके यहां चेंज होके ये फॉर्मूला बन गई 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। तो कार्ल पियर्सन के हिसाब से ये तो एक फॉर्मूला है ही, कार्ल पियर्सन ने ही इंपिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला दिया था कि भाई मोड इनडिफाइन हुआ तो क्या, तो उस वक्त हम यूज करेंगे फॉर्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब मोड इल डिफाइन होगा तब। मतलब ये स्टार मैंने इसकी वजह से लिया है कि इसका काम यहां पर है। तो फॉर्मूला दो नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हमें डिटरमाइन करना है, कि मोड परफेक्टली डिफाइन है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और मोड इल डिफाइन है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस के लिए दो फॉर्मूला दी है ऐसा नहीं है, लेकिन कार्ल पियर्सन के हिसाब से फॉर्मूला एक ही है, लेकिन मोड का प्रॉब्लम है कि मोड इनडिफाइन बन रहा है तो उसकी वजह से हम ये दूसरी फॉर्मूला लिख रहे हैं। अल्टीमेटली इसी पर से एक्सटेंड करके ये फॉर्मूला हमने बनाई है, जब मोड इनडिफाइन होता है तो हम इंपेरिकल रिलेशनशिप का यूज करते हैं और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हुई। तो सर रिलेटिव मेजर में, यस रिलेटिव मेजर में तो वही काम करना है, इसमें भी और आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट है मतलब 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, उसी को डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। मतलब जो एब्सोल्यूट मेजर है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो तो रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। तो ये पैटर्न में हो तो भी डिवाइड बाय एस, ये पैटर्न में हो तो भी डिवाइड बाय एस, ये कब यूज होगा, ऑब्वियस है मोड इज इनडिफाइंड तब ये यूज कर देंगे। तो लो भाई, कार्ल पियर्सन के हिसाब से स्क्यूनेस और उसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला खत्म हो गई, एक मेजर भी खत्म हो गया, ये है फॉर्मूला एब्सोल्यूट स्क्यूनेस के लिए मीन माइनस मोड, रिलेटिव स्क्यूनेस के लिए एब्सोल्यूट स्क्यूनेस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस। यदि मोड इनडिफाइन हो तो फॉर्मूला थोड़ी मॉडिफाई करेंगे और 3 टाइम्स एक्स बार माइनस मीडियन करेंगे, और रिलेटिव में एब्सोल्यूट जो है उसी से डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वो रूल मेंटेन करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट हमने निकाला है मोड इनडिफाइंड में 3 इंटू एक्स बार माइनस एम से, तो उसी को लेंगे और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। मुझे लगता है कि कार्ल पियर्सन का जो अप्रोच है वो आप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गया है, कुछ भी समझने का बाकी नहीं है कार्ल पियर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस जो है वो सबसे बेटर स्क्यूनेस है, मतलब उसी से काम करना चाहिए, मोर साइंटिफिक है, लेकिन उसको भी कई लोगों ने बोला कि ठीक है कार्ल पियर्सन ने तो अपना अप्रोच बताया है, लेकिन हम किसी और अप्रोच से भी स्क्यूनेस जज कर सकते हैं, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसका अप्रोच अलग है, इसका अप्रोच अलग है, और दूसरा जो नाम है वो है बाउली। तो बाउली ने क्या किया, अप्रोच थोड़ा चेंज कर दिया, उसने मीन मीडियन मोड या मीन और मोड को बेस नहीं बनाया, उसने पोजिशनल मेजर को बेस बनाया, पोजिशनल मेजर को बेस बनाया उसने,
और उसके हिसाब से स्क्यूनेस जज किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं उसका काम क्या था। उसके हिसाब से Q3 और मीडियन का डिस्टेंस जो है और मीडियन और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है तो हमें मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये वैल्यू ग्रेटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिवली स्क्यूड और ये वैल्यू स्मॉलर है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिवली स्क्यूड। तो उसने ये लॉजिक अप्लाई किया है कि मीन मीडियन मोड नहीं देखे, पोजिशनल मेजर के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको कंसीडर किया। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, इसका ये मतलब है कि मैं Q3 माइनस एम में से एम माइनस Q1 को डिडक्ट करूं, माइनस करूं, तो जो आंसर आएगा, यदि वो आंसर जीरो आया, क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल है तो ये आंसर जीरो आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। या तो Q3 माइनस एम की वैल्यू ग्रेटर है और m माइनस Q1 की वैल्यू स्मॉलर है, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और यदि Q3 माइनस m की वैल्यू कम है और m माइनस Q1 की वैल्यू ज्यादा है तो मैं माइनस करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो काम क्या करना है, उसने बोला कि हम एक्स बार माइनस मोड नहीं करेंगे, हम Q3 माइनस एम में से एम माइनस Q1 ये दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे और ये डिफरेंस जीरो हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, यदि ये डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड, यदि ये डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड, और ये भी उसकी प्रॉपर्टी तो है, ये रहा, ये कैरेक्टरिस्टिक से हम ये काम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है कि हम क्या करेंगे, Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1। हाँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूं कि Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस माइनस प्लस Q1, तो इसका मतलब है Q3 प्लस Q1 एम माइनस एम माइनस एम मतलब माइनस 2m। तो समझ के चलो कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m करेंगे और ये आंसर जीरो होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, ये आंसर पॉजिटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड, ये आंसर नेगेटिव, अल्टीमेटली यही चीज है, इसी को मैंने अलग तरीके से लिखा और ये रिजल्ट आया। तो बावली का फॉर्मूला है कि हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2m ये काम करेंगे और Q3 प्लस Q1 माइनस 2m करने के बाद आंसर जीरो भी हो सकता है, मतलब सिमेट्रिकल हो तो जीरो होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है पॉजिटिवली स्क्यूड में और नेगेटिव भी हो सकता है नेगेटिवली स्क्यूड में। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर, किसका, बाउली का, और वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने अप्रोच जो लिया है वो किसका लिया है, पोजिशनल मेजर का अप्रोच लिया है। सर, इसका रिलेटिव मेजर या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? तो बावली के हिसाब से जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो है Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1, जो कि यही है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m ही है, ये एब्सोल्यूट जो है उसी को डिवाइड करो Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1, मतलब ये दोनों का डिफरेंस के डिवीजन में ये दोनों का समेशन लिखना है और कुछ नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करूं तो ये होगा क्या, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन, इसको मैं ब्रैकेट ओपन भी कर दूं, सपोज यहां ओपन करके ही लिखूं तो आपको मालूम है कि नेगेटिव एम और पॉजिटिव एम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, Q3
Q3 माइनस Q1। तो जो एब्सोल्यूट मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर कौन सा, J के लिए मैं बता रहा हूं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, उसको मैं Q3 माइनस Q1 से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव मेजर। अल्टीमेटली डायरेक्टली हम ये लिखेंगे, लेकिन प्रोसेस ये है, इस तरीके से वो डिजाइन हुआ था और कुछ नहीं। तो रिलेटिव मेजर भी मिल गया बावली का, तो ये एक अप्रोच है कार्ल पियर्सन का, दूसरा अप्रोच है बावली का, तीसरा एक है मोमेंट मेथड, या मेथड मान के चलो, अप्रोच मान के चलो, लेकिन वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। हमको सिर्फ अभी ये दो ही देखने हैं, कार्ल पियर्सन का अप्रोच और बावली का अप्रोच। सर दोनों अप्रोच में से अच्छा अप्रोच किसका है, और क्वेश्चन में हमें कौन से अप्रोच से जाना चाहिए, मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना बोला है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी मेथड से, कार्ल पियर्सन की या बाउलीज मेथड, कौन सी मेथड यूज करें, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्या करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको चेक करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पोजिशनल मेजर को फेवर करता है। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं Q3 Q1 पोजिशनल मेजर का यूज करके, मतलब बाउलीज मेथड से जाऊंगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड नहीं है, बाकी कोई भी सिचुएशन है, तो बेस्ट मेजर कौन सा है, कार्ल पियर्सन का, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाउली, एंड इन ऑल अदर केस कार्ल पियर्सन। सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ओपन एंडेड, देन गो फॉर कार्ल पियर्सन, एंड इफ इट इज स्पेसिफाइड तो उसके हिसाब से, ठीक है, और ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, उस वक्त आपको बावली से ही काम करना है। कभी कभी जो बोलेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे, इंस्ट्रक्शन में जो भी दिया होगा वो निकालेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन हमने कर लिया, तो कार्ल पियर्सन का भी अप्रोच हमने समझ लिया, बावली का अप्रोच भी समझ लिया। अब एक चीज एडिशनल जो है, बहुत छोटी सी चीज है, वो समझ लेते हैं कि ये जो रिलेटिव मेजर है, मैं सिर्फ रिलेटिव मेजर की बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, यहां मैं नहीं लिख सकता तो यहां लिख रहा हूं, रिलेटिव मेजर का जो रेंज है वो हमेशा -1 to +1 होगा, ये -1 to +1 होगा। मतलब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 की रेंज में ही रहेगी, कभी भी वो माइनस, मैं बता रहा हूं रिलेटिव मेजर के लिए, एब्सोल्यूट मेजर कोई भी हो सकता है, रिलेटिव मेजर जो है वो कार्ल पियर्सन का -1 से +1 ही होगा इफ मोड इज परफेक्टली डिफाइंड। लेकिन मोड इल डिफाइंड है तो ये केस में रेंज है -3 to +3, मतलब ये पोजीशन -3 to +3 की है। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज हमेशा -1 से +1 इफ मोड इज परफेक्टली डिफाइंड, -3 to +3 इफ मोड इज इल डिफाइंड, एंड बाउलीज कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा -1 to +1 की रेंज में रहता है, -1 to +1, उस पर तो मोड या इल डिफाइन या डिफाइन का केस है ही नहीं। तो इन जनरल टोटालिटी में बोला जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलवेज लाई विद इन द रेंज -1 to +1, एंड इफ फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मोड इज इल डिफाइंड, देन इट विल लाई विद इन द रेंज -3 to +3। मतलब बावली और कार्ल पियर्सन दोनों की रेंज -1 to +1 ही मानी जाएगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन में मोड इल डिफाइंड है तो वो -3 to +3 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी डिस्कशन है वो पूरा मैंने कर लिया, इसके बेस पर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते, लेकिन ये काम बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन कार्ल पियर्सन का हो या बावली का हो, आपको एडिशनली सिर्फ ये नई फॉर्मूला याद रखनी है,
अदरवाइज कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीजें चाहिए। मोड इनडिफाइंड हो तो मीन, सॉरी मोड डिफाइंड हो परफेक्टली तो मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इल डिफाइंड हो तो मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, ये पहले ही हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नई बात नहीं है, वो तो हम पिछले दो चैप्टर से काम करते हुए आए हैं। नया क्या है, नया सिर्फ ये फॉर्मूला है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले वर्किंग में हमें मीन, मीडियन, मोड, रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो या ग्रुप डेटा, उसके निकालने पड़ेंगे, या कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, या तो बावली का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो Q3, Q1 और मीडियन निकालना पड़ेगा। लेकिन ये भी नई बात नहीं है, हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1 और मीडियन विथ रॉ डेटा, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा, सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। इसका ये मतलब है कि ये जो नया चैप्टर है वो टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ इतना ही नया है, बाकी का काम जो प्रोसीजर है उसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला में तो सिर्फ फिगर डाल के कैलकुलेशन ही करना है और कुछ करना नहीं है। इसका ये मतलब है कि आज का ये डिस्कशन देखो तो ये दोनों वीडियो लेक्चर आपने ध्यान से देखे हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि स्क्यूनेस वाला पूरा टॉपिक हमने खत्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, और उसमें भी नया कुछ नहीं कर रहे, नई सिर्फ ये फॉर्मूला है, बाकी मीडियन निकालो, मोड निकालो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो या मीन निकालो या फिर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, ये सब निकालना जो है वो पहले से एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स या कई सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर का ही डिस्कशन वैसे देखा जाए तो यहाँ ख़त्म हो गया, जितनी भी चीज़ें उसके एंसिलेटेड थी वो सब हमने कवर कर ली। फिर से एक बार मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल का मतलब होता है लैक ऑफ स्क्यूनेस, और डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है इसका मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। ये दोनों के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, और सिमेट्रिकल नहीं है और स्क्यूड है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कितना स्क्यूड है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम अप्रोच है हमारे पास, एक कार्ल पियर्सन का, दूसरा बावली का। कौन से अप्रोच के काम कर रहे हैं, तो कार्ल पियर्सन मीन और मोड को बेस बना के काम कर रहा है, जबकि बावली पोजिशनल मेजर को बेस बना के काम कर रहा है। क्वेश्चन में बावली से सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम या कार्ल पियर्सन से, तो प्रेफरेंस हमेशा कार्ल पियर्सन को देना चाहिए। हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हो तो हम बावली का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया है, नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सैंपल के तौर पर देखेंगे, अदरवाइज पूरा डिस्कशन खत्म हो गया है, ये चैप्टर भी माप मान के चलो कि पूरा ही हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।